बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फोनी ने प्रचंड रूप ले लिया है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई है। सूरत स्थित आशाराम के आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म के मामले में नारायण साय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता राकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर देने की वारदात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में नशे के ओवरडोज से एक युवक की मौत हो चुकी है। इंग्लैंड की कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई मूल के क्रिकेटर को दुष्कर्म के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है।